नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर टीम का शानदार स्वागत हुआ, जहां फैंस ने ढोल बजाकर और जोरदार हर्षोल्लास के साथ उनका इस्तकबाल किया। टीम के स्वागत से एयरपोर्ट का माहौल जश्न से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की तस्वीरें की जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ जिले में ढोक में देखे गए 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं और जानकारी देने पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। 8 जुलाई को कठुआ में आतंकवादियों के हमले में एक JCO समेत 5 सैनिक शहीद हुए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। चीन भारत की सीमा पर नजर रखने के लिए 50 से अधिक गांव बसाकर वहां की आबादी बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इन गांवों में रहने के लिए लोगों को पैसे भी दे रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा पर निगरानी बनाए रखना है। वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल पहुंचे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने से पहले CM विजयन के साथ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग के तहत नेपाल में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसमें अमलेखगंज चितवन और सिलीगुड़ी झापा पाइपलाइनों के अलावा झापा में भंडारण टैंक शामिल है। यह निर्माण भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और नेपाल के उद्योग मंत्री दामोदर भंडारी की बैठक के बाद लिया गया है। वैसे तो आधार कार्ड के बिना आपका कोई भी काम नहीं होता, लेकिन 3 ऐसी जगह हैं जहां आप बिना आधार कार्ड के काम कर सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के समय, पैन कार्ड बनवाते समय, ITR भरने के दौरान आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 21 किलोमीटर का भूमिगत हिस्सा होगा, जिसमें अरब सागर के नीचे 7 किलोमीटर लंबी अंडरसी सुरंग बनाई जाएगी। इसके निर्माण के लिए 3 दैत्याकार टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग किया जाएगा। मालदीव में जल्दी ही भारत का UPI शुरू होगा, इससे मालदीव की मुद्रा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री SJ ने कहा है कि भारत और मालदीव ने द्वीप समूह राष्ट्र में एकीकृत भुगतान इंटरफेस शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उसके पर्यटन क्षेत्र पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। YouTube ने नए स्लीप टाइमर फीचर की टेस्टिंग शुरू की है, जो वीडियो प्ले बैक को पूर्व निर्धारित समय के बाद ऑटोमेटिकली रोकने की सुविधा प्रदान करता है। यह फीचर फिलहाल केवल YouTube प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध है और 2 सितंबर तक ट्रायल के लिए खुला रहेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के क्लोजिंग सेरेमनी के लिए भारत ने अपने ध्वजवाहकों की घोषणा कर दी है। 22 वर्षीय मनु भाकर और 26 वर्षीय PR श्रीजेश इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्लोजिंग सेरेमनी 11 अगस्त को आयोजित होगी। BSNL ने टेलीकॉम सेक्टर में एक नई क्रांति लाते हुए UTA और USIM प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस नए सिम कार्ड के माध्यम से ग्राहक 4G और 5G नेटवर्क का लाभ ले सकेंगे और अपने नंबर को चुनने के साथ साथ लोकेशन प्रतिबंधों के बिना सिम बदलने की सुविधा प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग ने UP NEET UG 2024 के प्रथम चक्र की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 20 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और काउंसलिंग की तारीखें आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने पूर्वी भारत में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 900 किलोमीटर लंबी 8 नई रेलवे लाइनों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इन योजनाओं को हरी झंडी दी। पंजाब किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने सलाका मकेश्वर से सगाई कर ली है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर करते हुए 8 अगस्त 2024 को अपने जीवन की नई शुरुआत की घोषणा की। केरल के वायनाड में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हर संभव प्रयास किए। NDRF और SDRF के 1200 से अधिक कर्मी आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने में जुटे हैं। इधर करोड़ों रुपए की मदद भी केंद्र सरकार की ओर से भेजी जा चुकी है। भारतीय उपभोक्ताओं की पहली पसंद बने चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, जिनमें Xiaomi, Vivo, Realme और Oppo शामिल है। मार्केट ट्रैकर्स काउंटरपॉइंट रिसर्च और IDC के अनुसार ये ब्रांड्स स्मार्टफोन बाजार में शीर्ष 5 में स्थान पर हैं।
बांग्लादेश में हालिया हिंसा के बाद अल्पसंख्यक हिंदू नागरिकों की हजारों की संख्या में भारत में प्रवेश की कोशिश जारी है। कुछ बिहार के सीतालकुची में ये लोग बीएसएफ से भारत में घुसने की गुहार लगा रहे हैं। बीएसएफ स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अगस्त को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु अनुकूल फसलों की किस्में जारी करेंगे। इनमें 61 फसलों की किस्में शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आरा में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भव्य स्वागत किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जनता के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह भोजपुर जिला की सेवा करते रहेंगे। कांग्रेस ने 12 अगस्त से बिहार में आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पूर्व में भी भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करते आई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब जातिवाद की राजनीति की बजाय विकास की राजनीति होगी। उन्होंने कहा कि विकास की आगामी चुनावों में एनडीए की जीत की कुंजी बनेगा। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 15 टेलीग्राम और 3 व्हाट्सएप चैनल को चिन्हित किया है। इन चैनलों पर अभ्यर्थियों को आंसर की देने का लालच देकर पैसे वसूले जा रहे थे। अगर आप भी सस्ती बाइक खरीदने की चाह रहे हैं तो आप होंडा साइन 100 के बारे में विचार कर सकते हैं। इस बाइक की खूबी यह है कि इसकी सीट आरामदायक है और शानदार राइड क्वालिटी है। इसके अलावा हीरो स्प्लेंडर प्लस टीवीएस रेडॉन खरीद सकते हैं। मुंगेर जिले में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो वार्निंग लेवल 38.33 मीटर के करीब पहुंच गया है। पिछले 23 घंटे में जलस्तर में 29 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे दियारा क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांव पानी से घिर गए हैं। प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन सुराज पार्टी के मैदान में उतारने की घोषणा की और कहा कि उनका मुख्य मुकाबला एनडीए से होगा। उन्होंने 2020 के चुनाव में चिराग पासवान फैक्टर के प्रभाव की चर्चा करते हुए आरजेडी के कमजोर होने की बात की। बिहार में बिजली संकट से निपटने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने स्पाइक अर्थिंग तकनीक का परीक्षण शुरू किया है। यह तकनीक बारिश और वज्रपात के दौरान बिजली आपूर्ति को बाधित नहीं होने देगी और यंत्रों को भी नुकसान से बचाएगी। सीबीएसई ने 2024-25 सत्र के लिए 12वीं कक्षा के बायोलॉजी सिलेबस से रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक्स हटा दिए हैं। इसके तहत जीवों में प्रजनन, प्रजनन के तरीके और पौधों में वानस्पतिक प्रसार जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर शामिल हैं। नए सिलेबस की जानकारी से स्टूडेंट्स को परीक्षा की तैयारी में सहायता मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि बिहार में 4,500 करोड़ रुपए की लागत से 213 नए सड़क पुलों की मंजूरी दी गई है। पिछले 10 वर्षों में राज्य में 490 पुलों का निर्माण हो चुका है। भाजपा सांसद डॉ. भीम सिंह के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। दुनिया के मौजूदा हालात ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चीन के साथ अपनी साझेदारी को रिवैल्यूएट करने और जोखिम कम करने के लिए विकल्प तलाशने के लिए मजबूर किया है। इसलिए भारत एक पसंदीदा भागीदार के रूप में उभर रहा है। केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान करने के विचार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह साफ कर दिया गया कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है नितेश कुमार सिंह, बाबूलाल मरांडी, राजेश कुमार, वरुण कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, विजय राय। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या हालात है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।